जी राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर नहीं है तो भाई साहब अपना ध्यान रखो, ठीक है जी। और बद्रीनाथ जी की यात्रा संपन्न हो गई है, अगले दिन शुरुआत हो गई है। वही अपने डेली रूटीन, खड़े हो जाओ भाई साहब, नहाए धोए, पूजा पाठ कर लिए, और अब ये घर का मैं हिसाब आपको दिखा नहीं सकता। अगर मैंने दिखा दिया आप तक क्या कहोगे, ये कहोगे इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास जी। सोनम जी ने लगा दिया मशीन आते ही। उनकी अपनी ड्यूटी है, हमारी अपनी ड्यूटी है। मैं खड़ा हो गया, हम जा रहे हैं फैक्ट्री, थोड़े काम निपटाएं, देखते हैं आज क्या शूट कर पाते हैं। और मुझे आउटपुट देखो, इतने स्मार्ट लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, देख लो। मेरी यार, मेरी ना टोपियां, मेरी दीवी गिफ्ट स्वेटर है ये। हां तभी तो स्मार्ट लग रहा हूं। चल जा रहा हूँ फैक्ट्री, देखते हैं यार क्या शूट कर पाते हैं। लास्ट है, टोपियाँ चोरी हो गई थी ना, जो पहले एक ही बची हुई है, यही सी होगी। इसरे टोपी कैप्स लेनी है मैंने, ब्लैक थी, एक ग्रीन थी, एक येलो और थी, हल्दी वाली, सब यही से गैप हुई है। पता करो दया, पता करो दया किसने करा है। कैप लेके आऊंगा अभी मार्केट जाके, कल जाना है ना मंडे को कार्तिक के कपड़े लेने, आ जाओगे ना जल्दी। आज रात को एक शादी भी अटेंड करनी है, देखते हैं जा पाते। लड़की की शादी है इसलिए जाना जरूरी है, लड़के का होता तो शायद क्विट कर देता, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, सही बताऊं। ठीक है जी, चलते हैं अपने डेली रूटीन में। तो भाई बड़े दिनों बाद फैक्ट्री में मोटा, ये फुटबॉल वाले पे चढ़ा दिए, कंबल वाला लेके आ गया, कर दे तू। कहाँ गए छोटू भाई? फैक्ट्री का काम तो निपटा दिया यार सारा, अब काम ऐसे रुके हुए हैं ना, घूम फिर के तो आ गए, अब आगे ऐसे काम रुके हुए हैं कि सोच सोच के ना गला सिर वैसे ही दर्द हो रहा है, और दर्द होने लग गया। एक तो गला ऐसे ख़राब हो गया, वहाँ पे माइनस टेम्परेचर था, यहाँ आते उल्टा एकदम 19-20 चल रहा है, तो तबीयत लगता है रात तक ख़राब हो ही जानी है। वैसे अभी ख़राब है, रात तक वेट नहीं होगा, देखना अभी मेडिसिन ले लेता हूँ, नहीं तो तबीयत हो जाएगी ख़राब। और घर पे सोनम ने क्या हाल करा हुआ है, आते ही इसको मशीन लगानी याद आ गई, जैसे हर किसान के घर च होता है ना, रोला पा दो आंदे ही बस वो करता है। तो आ गया घर, अब टिफिन उठाते हैं सीधा शोरूम। क्या करना फिर? अरे यार रात को आऊंगा, जिसने जाना है शादी में चलने के साथ ही, नहीं जाना तो रिद्धि को ले चलो फिर, और क्या छोड़ दे, देखते हैं शाम तक मान जाएगी क्या भला। घर आ गया भाई साहब, टिफिन पैक हो रहा है, टिफिन पैक होते होते और हमने खाई बालू शाही। दिखाऊं कैसे खाई, ये भी देखो फिर। उल्लिया प्रा ऐसा डी तपस्या है की है। और क्या, ओए होए होए, अब चेक करो यार, ये वही बालू शाही है जो असी उत्थो लीती सीगी, और तुसी देख रहे हो। तुम सिर्फ देख सकते हो और मैं सिर्फ खा सकता। आनंद स्वर्ग की प्राप्ति, आह आह क्या है, मतलब ये घी देख रहे हो अंदर घी, एक मिनट को अब दिख रहा है, ये जो बनाया है एक नंबर बनी है भाई साहब, लक्की के मुंह में आया है। आह नॉम 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 नॉम, चलो जा रहा हूँ यार अब। दुकान पे तो आ गए थे जी, पर आज तबीयत सही नहीं है, नाक बंद है पूरा, बुरा हाल हो गया। घूम फिर के तो आ गया, बट उसके बाद अब रिलाइज हो रहा है भाई साहब ठंड बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, यहाँ पे है नहीं ठंड इतनी, वो टेम्परेचर की वजह से वैसा हो रहा है। और काम इतने फंसे पड़े, इतने अटके पड़े, सॉरी सुस्ता रहा है शरीर थोड़ा, अब ऐसे हो रहा है थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ या सो जाओ थोड़ा, बट दो चार दिन सो नहीं सकते। यही हाल उधर सोनम क्या है, वो घर पे लगे पूरे घर के तहस तहस करा हुआ है, दिवाली की सफाई लगता है दोबारा करने पे लग रहे हैं वो तो। बाकी ठीक है, भूख लग रही है, खाना वाना खाते। वैसे आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल वर्ल्ड कप मैच भी है, वो भी देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा मैं। और आज सही बताऊँ, आज ब्लॉग करने का मन भी नहीं हो रहा, मतलब रेस्ट करने का मन हो रहा है, घर भी नहीं जा सकता, दुकान पर भी रेस्ट नहीं हो सकता। आउट हो गया एक, लो भाई एक आउट भी कर दिया यार ऑस्ट्रेलिया वाले,
पर कोई नहीं, इंडिया वाले ने माँ भैन कर देनी है, चिंता ना करो। देखता हूँ थोड़े मैच देखते। बापू बैठे हैं जी, बापू से मिल लो बड़े दिनों बाद। राम राम जी। बापू कह रहे मैं दाढ़ी बढ़ा दी है, दाढ़ी कटाओगा इन हूँ, दाढ़ी कटा लो। दाढ़ी रखांगा, रख के पगड़ी बांध के फोटो खिंचा के फिर साईं बाबा बनना है। बापू को शौक चढ़ा जी, अब दाढ़ी बढ़ानी है उन्होंने। मैंने भी दाढ़ी कटानी है, आज कटा लेता हूँ यार, आज कटवा के आएंगे दाढ़ी शाड़ी। अब थोड़ा मैच देखते हैं यार, मैच में मजा आ रहा है देखने में, सही होता मैच मैच देखते हैं क्या होता है। जितनी तो इंडिया ही है, ला लो तुसी डैश दा जोर। देखो भाई भला ऑस्ट्रेलिया वाले ला लेना अपना डैश दा जोर, जितनी तो इंडिया है, बोलो जय सियाराम। बाकी अभी पिछली सारी वीडियोस एडिटिंग में रहती है, क्योंकि आज तो तारीख है मेरे ख्याल से 19, आज व्लॉग आया होगा, लाइव तो हो गया होगा सुबह 10 बजे, अभी तो 1:30 बज रहे हैं। पिछली वह वीडियोस भी एडिट करनी है आराम आराम से कर रहा हूँ, ये वाला व्लॉग थोड़ा लेट आ सकता है क्योंकि पिछले 2-3 वीडियोस इकट्ठी हो रखी थी ना, कुछ एडिट्स भी नहीं हो रखी, एडिट करनी है आराम आराम से, शेड्यूल कर रहा हूँ, सॉरी। बाकी मैच देख रहा था, अभी 2 आउट हो गए भाई सर रोहित शर्मा की गलती के कारण। ठीक है यार, बंदा रिक्स तो लेता ही यार काम में, पहले शॉट मारा उसने, दूसरा शॉट ले रहा था, आउट हो गया, बट कोई नहीं, एंड में बात करेंगे जितने की था इंडिया। और शाम को अभी शादी पे भी जाना है, बच्चे कुछ कह रहे हैं जाना है, कुछ कह रहे हैं नहीं जाना है, ये भी बड़ी विडम्बना है। अब चाहे तो सारों को छोड़ के जाएंगे या सारे ही जाएंगे, यही दो हल है और कुछ नहीं है, जाना ज़रूरी है। और बस बाकी अभी तो टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ, 1:30 ही बजे हैं, अभी देखता हूँ थोड़ा टाइम निकाल के आधी वीडियो भी एडिट कर लेता हूँ, आधी घर जाके आराम से रात को सोते हुए एडिट करता हूँ। एक तो टाइम भी नहीं बचता ना, रात को जाते ही टीवी दिखता है, थोड़ा खाना खुना खाते हैं, वॉक वूक करने जाते हैं तो 11 बज जाते हैं, सो जाओ, सुबह फिर उठ जाओ। फिर अब मंडे से ये भी सोनम के साथ डिस्कशन चल रही थी कि जिम थोड़ा तरीके से करना है, अब मतलब ये पूरा महीना तो ऐसे ही गया, अब जिम विम करते हैं, थोड़ी बॉडी फिट लाइन में लाते हैं। देखते देखते जी हो गई है जी संध्या, शाम वो कर रहे हैं मंदिर की धूपबत्ती। और मैच का क्या बताऊँ यार, मैंने कुछ कहा तो नहीं जा सकता, ठीक है यार जितना करा अच्छा ही करा, 240-41 रन मार लिए इंडिया ने, और कुछ भी हो सकता भाई साहब, चमत्कार कोई कहते हैं, हिंदुस्तान कर देगा कुछ ना कुछ, जीत जाएगी इंडिया यार, हिम्मत कोशिश तो देखो सारे ही कर रहे हैं। बाकी अभी 2 बत्ते कर लेता हूँ, जब तक उनकी बैटिंग आएगी मंदिर होके आ रहा हूँ, बस मंदिर होके फिर इनकी बैटिंग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वालों की, भाई हिंदुस्तान अब क्या करता है जो भी है। बाकी अभी घर भी जल्दी जाना है, अभी बताया ही था शादी पे जाना है। वैसा वैसा कुछ जुगाड़ लगाया हुआ है मैच देखने का, टीवी देख रहा हूँ सामने, ऐसे कैसे मैच तो देखते ही जा रहा है, और इस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा है, हालत देख लो काम धंधे की। तो चलो एक तो आउट हो गया, कुछ भी हो सकता है भाई, मैं थोड़ा सा देखेंगे, मैं सीधा घर निकलूंगा, इसके बाद पूरा मैच तो नहीं देख पाऊंगा, ये 4 बजने स्टार्ट हो गए घर से। एक आउट हो जाए उस्ताद, इस बॉल पे आउट हो गया ना, चलो इंटरेस्टिंग हो रहा मैच, देखते हैं मोहम्मद शमी को या सिराज को लेके आ रहे हैं, उससे मिले बांडिया से हमारे बांडिया, तेरी तेरी, अरे मैच में देखो बैठ के मैच कौन जीतेगा, जीतेगा जीत गई इंडिया, अरे मेरे पास खबर आ गई, लाल शर्ट बोलो जीत गई इंडिया, थोड़ी कल बोलो लव वाला की डेढ़ पूरी वाले की देख लो सर, 10,000 अभी बैग में मेरा 10,000 चलो जी। मैच के चक्कर में शेप भी नहीं कराई यार आज, तो अब निकल रहा हूँ घर सीधा, वाह अब घर निकल रहे हैं सीधा, फिर शादी पे देखते जाते हैं यार, अभी वो भी तैयार, मैंने कह तो दिया तैयार हो जाए, फिर उसके बाद सीधा निकलेंगे शादी के लिए, देखते हैं अभी शेव वेव कल ही कराएंगे यार अब जो भी है। चलो आज तो बड़ा हैंडसम लग रहा है, वेलकम बैक टू माय चैनल।
चलो जी तैयार हो गया है। कमेंट में ये मत करना लक्की भैया ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, सोनम तो वैसे है नहीं मेरे बराबर। अच्छा मजाक कर रहा है, स्मार्ट लग रहे हैं सोनम भी। जा रहे हैं क्योंकि वैसे ही बताया था लड़की की शादी है तो जाना जरूरी है। कार्तिक महाराज जा रहे हैं, रिद्धि का फिर अगेन कैंसिल हो गया, घर पे रहेंगे। हमने भी बस फटाफट जाना है, शक्ल दिखानी है, रोटी का टूट पैना अपा जानते हैं, खा फुट के आना फटाफट अपा। चलिए जी, चलिए कार्तिक महाराज। हेलो, मुझे तो और हम खाएंगे पिज्जा, आप खाओ दाल रोटी। ये चीज ब्लॉग में कट हो जाएगी। क्यों कट होगी? तो कार्तिक आज तो पार्टी हो रही है, मजा आया? आज जिम पार्टी हो रही है, ठंड में। भाई सब शादी में गए थे और इधर से इन बच्चों ने पिज्जा पार्टी। ठंड में कोक, ठंड में कोक, कोक की पार्टी। मजा आया पार्टी में? बहुत मजा। कितना मजा आया? इसको भी दे दे एक बाइट साथ की। ये रही कोक।